सुपर किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ उड़द की दाल की बड़ी। इसको बनाने के लिए मैंने ये देखिए एक कटोरी बड़ी ली है। वैसे मूंग और चने की भी बड़ी बनती है, लेकिन उड़द की दाल की बड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने इसको लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बड़ी है और ये तीन चार कटे हुए आलू हैं। हम आलू और बड़ी की सब्ज़ी बना रहे हैं। अब हम मसाले बता देते हैं। ये दो बड़े साइज़ के प्याज हैं और ये 10 कलियाँ लहसुन की हैं और ये 3 टमाटर हैं। अब हम प्याज और लहसुन को पीस लेंगे। ये देखिए मैंने पीस लिया है। हम बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम इस बड़ी को फ्राई करेंगे, क्योंकि हमारी बड़ी अभी कच्ची है। इसको फ्राई करेंगे तभी इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये मैंने सरसों का तेल डाल दिया था, तो इसी में हम 5 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। ये जब ब्राउन हो जाएगा तो हम निकाल लेंगे। ये देखिए ब्राउन होने लगा है, इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसी तेल में हम टमाटर को फ्राई करेंगे, क्योंकि टमाटर फ्राई करने से हमारे ग्रेवी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है और कलर भी अच्छा आता है। ये देखिए फ्राई भी हो गया है, ये छिलका बिल्कुल मुलायम हो गया था, इसको भी हम निकाल लेते हैं। और ये जब ठंडा हो जाएगा तो हम पीस लेंगे। अब इसी तेल में हम जीरा डाल देंगे और दालचीनी और 2 तेज़पत्ता डाल देंगे और 2 मिनट के लिए इसको तलेंगे। अब इसी में हम आलू फ्राई करेंगे, जब ब्राउन हो जाएगा तब हम निकाल लेंगे। आलू को फ्राई इसलिए करते हैं क्योंकि इससे आलू जल्दी पक भी जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है, इसलिए हमें आलू ज़रूर फ्राई करना चाहिए। अब इसी में हम प्याज और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। कभी भी जब घर में कोई सब्जी ना हो तो फटाफट से हम आलू बड़ी की सब्ज़ी बना सकते हैं। अब ये देखिए ये गरम मसाला है 2 चम्मच, इसको हम डाल देंगे। ये बहुत ही कम मसालों से बना हुआ हमारी सब्ज़ी है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आएगा। इसको हम भूनते रहेंगे। और ये लाल मिर्च पाउडर है, आप अपने अनुसार कड़वा डाल सकती हैं, किसी भी कम ज़्यादा कर सकती हैं। और ये जो टमाटर ठंडे हो गए हैं इसको हम पीस लेंगे। अब इसी में हम ये देखिए मसाला चिपक रहा है, अब इसी में हम टमाटर को डालेंगे। अब इसको भी हमको 2-4 मिनट तक भूनना है। ये देखिए भून भी गया है। अब इसी में हम पानी डाल देंगे, जितना आपको ग्रेवी पसंद हो मोटा पतला आप डाल सकती हैं। ये हम आलू को इसमें हम 90% पका लेंगे। अब 10% जब बचेगा तब हम बड़ी डालेंगे, क्योंकि बड़ी हमारी मुलायम होती है, इसलिए हम आलू को पहले पका लेंगे तब डालेंगे। इसी में हम नमक डाल देते हैं। इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे पकने के लिए। 10 मिनट हो गया है, हम चेक कर लेते हैं। देखिए हल्का दबने लगा है। अब इसी टाइम हमको बड़ी को डालना है। ये देखिए अब ये दोनों साथ साथ सही समय पर पक जाएंगे। अब इसको हम ढक देंगे, बस 5-7 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। ये हम चेक कर लेते हैं, 5-7 मिनट हो गया है। अब बड़ी देख लेते हैं। देखिए बड़ी हमारी पक गई है, आलू भी पक गया होगा। अब हमारी सब्ज़ी तैयार है, अब हम निकाल लेते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।